नमस्कार, गोरखपुर न्यूज के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। आप सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गोरखपुर में 75वें गणतंत्र दिवस पर गोरखपुर जोन के एडीजी, गोरखपुर एसएसपी सहित 10 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। एडीजी डॉक्टर के एस प्रताप कुमार को राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक मिला है, तो एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर को डीजीपी का प्रशंसा चिन्ह प्लेटिनम तथा अन्य पुलिस कर्मियों को सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह से सम्मानित किया गया है। आपको बताते हैं कि गोरखपुर एलआईयू में तैनात उप निरीक्षक सुरेंद्र नाथ राय को सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह, डायल 112 में तैनात उप निरीक्षक शिव मंगल सिंह को प्रशंसा चिन्ह सिल्वर से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा देवरिया से उप निरीक्षक संतराज, मुख आरक्षी ओम प्रकाश, श्री कृष्ण राम, मल्लू प्रसाद, महाराजगंज से बीरबल चौहान को सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह और कुशीनगर से निरीक्षक अमित शर्मा को सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह से सम्मानित किया गया। भारत माता की, भारत माता की। हमारे यहाँ पुलिस लाइन गोरखपुर में उपस्थित हमारे एडीजी सर, जिला जज महोदय, डीआईजी सर, डीएम, एसएसपी, हमारे सभी प्रशासनिक पुलिस अधिकारीगण, हमारे सभी मीडिया पत्रकार बंधु और हमारे यहाँ विभिन्न स्कूलों के आए बच्चे और हमारे यहाँ के जवान, सर्वप्रथम मैं बाबा गोरखनाथ की पावन धरती गोरक्ष नगरी को दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ और एक बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि आज ये सौभाग्य हम सबको मिला है कि आज हम 26 जनवरी को इस पुलिस लाइन परेड में यहाँ उपस्थित है और अपने जवानों का हौसला, उनका साहस, उनकी कर्मठता, उनकी निडरता, उनका साहस हम देख पा रहे हैं। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार बहुत तेज तालियों से अपने जवानों का उत्साहवर्धन करें जिन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन हम लोगों के सामने किया है। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत तेज अच्छी गड़गड़ाहट से तालियों से इनका उत्साहवर्धन करें। आज मैं मंडलायुक्त गोरखपुर अपने सभी यहाँ पर उपस्थित और अपने जनपद वासियों को दिल की गहराइयों से 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। आज मैं उन सभी वीर स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूँ जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर 200 वर्ष तक हमारा भारत गुलाम रहा, उस गुलामी से हमको आज़ादी दिलाई। उन सभी को मैं हृदय की गहराइयों से नमन, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। सभी अधिकारियों के और सभी अधिकारों के साथ खून था। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का जो अनुपम उदाहरण हमारे संविधान में है वह किसी अन्य देश में नहीं है। संविधान के कारण ही ये संभव हो सका है कि हमारे देश का प्रत्येक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के साथ अपने व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से विकास कर सकता है। आज का भारत हमारा खाद्यान्न के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो चुका है, वहीं दूसरी ओर रक्षा के क्षेत्र में भी अपना लोहा मनवा रहा है। निष्पक्ष रहते हुए भी भारत की भूमिका विश्व पटल पर मजबूत हो चुकी है। विश्व का कोई भी वित्तीय देश आज भारत की उपेक्षा नहीं कर सकता। गोरखपुर में 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर शुक्रवार को रिजर्व पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड परिसर में भव्य परेड का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंडलायुक्त अनिल ढिंगरा ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस दौरान पुलिस लाइन में परेड के लिए पहुंचे पुलिस कर्मियों को एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने की शपथ दिलाई। साथ ही परेड में पहुंचे विभिन्न विद्यालयों के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए जिसकी समस्त अधिकारियों द्वारा सराहना की गई। इस अवसर पर एडीजी जोन डॉक्टर के एस प्रताप, डीआईजी कुलकर्णी, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, एसएसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई, सहायक पुलिस अधीक्षक सीओ कैंट मानुष पारिक, एसपी साउथ जितेंद्र कुमार, एसपी नॉर्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव, एसपी ट्रैफिक श्याम देवबिंद सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी गण मौजूद रहे। परेड का निरीक्षण करने
इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने कहा, सर्वप्रथम मैं अपने सभी जनपद वासियों को 26 जनवरी की हार्दिक बधाई देता हूं और यहां पर हमारे पुलिस के जवानों द्वारा जो एक परेड दिखाई गई है वो वास्तव में सराहनीय है और उसकी मैं दिल की गहराइयों से प्रशंसा करता हूँ। और मैं सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे जवान दिन रात हमेशा बिना किसी समय के हमेशा बॉर्डर पे हमारे अन्य कार्यक्रमों में हमेशा लगे रहते हैं, जहाँ भी वो दिखे आज उनका एक सल्यूट सबके लिए बनता है। जिलाधिकारी कृष्णा करूरेश ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में ध्वजारोहण किया। आपको बताते हैं कि पूरा देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, वहीं इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करूरेश ने कलेक्ट्रेट परिसर में ध्वजारोहण कर झंडे को सलामी ली। इस दौरान जिलाधिकारी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित भी किया। इसके अलावा उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर भी सम्मानित किया गया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी कृष्णा करूरेश ने बताया कि आज पूरा देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, जिसके लिए पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामना देता हूं। ये एक राष्ट्रीय पर्व है जिसमें सभी धर्म के लोग भाग लेते हैं। मुझे विश्वास है कि सभी लोग संविधान के प्रति अपना दायित्व ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। इस अवसर पर एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह, सीआरओ सुशील कुमार गौड़, सिटी मजिस्ट्रेट मंगलेश दुबे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बीयूसी में बताया गया है, फंडामेंटल जुडिशियल है। इसके अतिरिक्त जितनी भी जुडिशरी हो, लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, हम अपने सारे पावर्स वहीं से डिराइव करते हैं। जितने भी कानून बने हैं सब वहीं से डिराइव होते हैं। जिलाधिकारी महोदय संतोष सिंह, अधिकारी गण भी है, सिविल डिफेंस के अवसर होता है जब हम देश की आन बान शान मर्यादाओं पर उसे देख कर हम सब अभिभूत होते हैं। विकास कुमार जना, डॉक्टर शरद श्रीवास्तव, आप हैं इसके बाद अरे ठीक है सर, लेने ना टाइम। इस संबंध में गोरखपुरी से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करूरेश ने कहा, आज हमारा देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और शुभ अवसर पे मैं समस्त जनपद वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। ये एक राष्ट्रीय पर्व है जहाँ सभी क्षेत्र के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग मिलजुल के मनाते हैं और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अपना दायित्व जो है संविधान के प्रति सही ढंग से निर्वाह करेंगे और इसके साथ ही सभी को ढेर सारी। सदर सांसद रवि किशन ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामना दी, जिसके संबंध में सदर सांसद रवि किशन ने बताया कि गणतंत्र दिवस की सभी भारतवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये राम राज का नया भारत वर्ष है। जब भगवान राम के समय भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, वही समय अब आ गया है। हम लोग अब उस कालखंड में प्रवेश कर रहे हैं। पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामना। इस संबंध में गोरखपुरी से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं समस्त नए भारत के भारतवासियों को, राम राज्य के भारतवासियों को। ये युग, ये जो सूर्योदय हुआ है, जो प्रभु राम के समय जैसा था, सोने की चिड़िया भारत हुआ करता था, वही समय अब हम लोग महसूस कर रहे हैं। उस कालखंड में हम लोगों ने प्रवेश किया है। बहुत शुभकामनाएं। ये 26 जनवरी बहुत स्पेशल 26 जनवरी है समस्त भारतवासियों के लिए। मैं सांसद रवि किशन शुक्ल,
ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को देता हूं। मंडल आयुक्त अनिल ढेकरा ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर कमिश्नरी परिसर में ध्वजारोहण किया। आपको बता दें कि पूरा देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, जिसको देखते हुए मंडल आयुक्त अनिल ढेकरा ने कमिश्नरी परिसर में ध्वजारोहण कर झंडे की सलामी ली। उन्होंने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को देश की एकता व अखंडता की शपथ दिलाया। इसके साथ ही उन्होंने जनपद के सभी नागरिकों को गणतंत्र दिवस की शुभकामना दी। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे आर्थिक और राजनीतिक न्याय और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में एते द्वारा इस संविधान को जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश ने सिविल डिफेंस के डिवीजनल वार्डन कोतवाली विकास जालान को राष्ट्रपति पदक मिलने पर सम्मानित किया, जिसके संबंध में विकास जालान ने बताया कि मुझे महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा 2023 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राष्ट्रपति पदक दिया गया था। आज जिलाधिकारी के द्वारा मुझे पदक प्रदान किया गया है और सम्मानित भी किया गया है। मुझे आज बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मुझे राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया है। ये हमारे लिए गौरव की बात है, जिसका श्रेय प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व जिलाधिकारी उप नियंत्रक व चीफ वार्डन गोरखपुर को देना चाहता हूँ। इसके अलावा मेरे माता पिता का आशीर्वाद है कि ये पदक मुझे मिल पाया है। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए सिविल डिफेंस कोतवाली प्रखंड के डिविजनल वार्डन विकास जालान ने कहा, गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा सराहनीय सेवा हेतु पदक प्रदान किया गया था, जो आज माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुझे पदक प्रदान करके यहाँ सम्मानित किया गया है। बहुत खुशी महसूस हो रही है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्वारा ये पदक प्रदान किया गया, प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया, ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। इसका श्रेय सबसे पहले हम अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, हमारे जिलाधिकारी महोदय को, हमारे उप नियंत्रक महोदय को और चीफ वार्डन महोदय को देना चाहूँगा और मेरे माता पिता का आशीर्वाद की ये पदक। 75वें गणतंत्र दिवस को साकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस अधीक्षक सीओ कैंट मानुष पारिक के अगुवाई में भारी संख्या में पुलिस बल के साथ थाना एम से एयरपोर्ट तक फ्लैग मार्च कर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग भी की गई, साथ ही आम जनमानस को सुरक्षा का एहसास करते हुए उन्हें अराजक तत्वों के द्वारा किए जा रहे कार्यों की गतिविधियों की जानकारी देने के लिए भी अपील किया गया। इस अवसर पर कैंट थाना प्रभारी निरीक्षक रणधीर मिश्रा सहित अन्य पुलिस फोर्स मौजूद रही। बाकी कोई बता दीजिए।
सभी लोग यार अंदर रहने से अंदर क्या जाम लगा रहे साहब, गाड़ी एसी वाला बढ़ा दिया सर चला के। ये कहां है ये चैंबर आपकी उठकर गाड़ी लेकर आई है हम यहां वो आगे बढ़ा के मानेंगे नहीं तो बोलो मत उसको। जब कितनी बार कह दिया है आप लोगों को अंदर रखिए गाड़ी बोलने लगाए संविधान आदमी साहब चलो ठीक क्या हो जाएगा आप।